थानाई की मंडी धाकरान स्थित प्राचीन चामुंडा देवी मंदिर में लूट के दौरान मरणासन्न किए गए पुजारी ने सोमवार को अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के साथ भीड़ ने मंदिर के सामने शव रखकर जाम लगा दिया। थाना नाई की मंडी धाकरान स्थित प्राचीन चामुंडा देवी मंदिर के पुजारी चंद्रशेखर को मरणासन्न कर बदमाश नकदी और गुल्लक लूट कर ले गए थे। गंभीर रूप से घायल पुजारी का दहली गेट स्थित हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। सोमवार को पुजारी ने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के साथ भीड़ ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मंदिर के सामने शव रख कर जाम लगा दिया। MG रोड जाम होने की खबर पर कई थानों की पुलिस के साथ अधिकारी मौके पर पहुँच गए। जे पुजारी के साथ जो घटना घटी है और अभी तक ये क्या है, वो 15-16 दिन इनका इलाज करवाया, अब वो मृतक हो गए तो अपने घर वाले उनके लेके आए हैं। अपने घर वालों की भी मांग है और कमेटी की भी ये हमारी मांग है कि मुजरिम को जल्दी से जल्दी उसका खुलासा किया जाए और जो दोषी हो उसके संग सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जल्दी से जल्दी उसको जो क्या है उसको जो क्या सजा दी जाए। उसको क्या मांगे भीड़ की, जाम लगाया अभी और भीड़ की यही मांगे कि भाई जो जिसने घटना करी है मंदिर पर, ऐसी खिलौनी घटना करी है, उसको सजा दी जाए। जाम क्यों लगाया था लोगों? जाम जिस लगाया था भाई, हमें न्याय चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। हम हाँ जब तक ये न्याय मिलना चाहिए हम लोगों को, क्यों कि जो मंदिर हमारा सुरक्षित हो। महात्मा गांधी मार्ग पर जाम लगाने से आवागमन अवरुद्ध हो गया। पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर जाम खुलवाया। इस दौरान जमकर हंगामा भी किया गया। पुलिस ने हत्यारों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया लेकिन भीड़ शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने को तैयार नहीं हुई। दोपहर पोस्टमार्टम के बाद पहुंची बॉडी शाम तक मंदिर के पास रखी रही। भीड़ आरोप लगा रही थी कि इतने दिन बीतने के बाद भी पुलिस ने बदमाशों को पता नहीं लगा सकी है। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा था। SPCT का कहना है कि हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों को लगाया गया है, सर्विलांस की मदद ली जा रही है। हत्यारों को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। 4:05 की रात को इस मंदिर के पुजारी जिनका नाम चंद्रशेखर है, उन पर उनको चोटिल करके घायल किया गया था और तब से उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और आज उनकी मृत्यु हुई है। पुलिस इस मामले में उसी दिन मुकदमा पंजीकृत कर चुकी है धारा 307 में और आज उसे तरमीम करके 302 में कर दिया जाएगा। और इसके लिए, इस घटना के अनावरण के लिए पुलिस पूछताछ कर रही है और जितने भी संदिग्ध लोग हैं उन सबसे अभी तक करीबन 40 लोगों से पुलिस ने पूछताछ कर लिए हैं। पुलिस के पास कुछ तथ्य, कुछ साक्ष्य, कुछ सुराग मिले हैं लेकिन अभी तक पुख्ता साक्ष्य नहीं मिल पाए हैं, इसीलिए हमने गिरफ्तारी नहीं की है। हमें कुछ लोगों पर संदेह है, हम उनके एक्टिविटी पर नज़र रखे हुए हैं और उनके कारण को भी जांच रहे हैं जिस कारण से ये हुआ है। अभी तक अभी तक इंक्वायरी में जो सामने आया है कि जानने वाले किसी का ये कार्य हो सकता है और पुलिस लेकिन पहले पूरा पुख्ता साक्ष्य इकट्ठा करना चाह रही है और उसके बाद कोई अगर दोषी मिलता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। धाकरान स्थित प्राचीन चामुंडा देवी मंदिर में 5 सितंबर को रात पुजारी को मरणासन्न कर लूटपाट की गई थी। SPCT विकास कुमार का कहना है कि इस वारदात में किसी जानकार का हाथ है। अब तक 40 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा चुकी है। पुलिस ने जल्द खुलासे का आश्वासन दिया है। क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। C News के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।